अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप लोगों के। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे तो सब ठीक है। आई होप कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा कि किस तरह से कलर चेंज हो सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। उसी वीडियो के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, कोई दूसरी वीडियो नहीं है। तो टॉपिक वही है, उसी तरह का है, तो डेफिनेटली मैं उसी तरह की चीज़ रख रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया, मैं इफेक्ट में जाके, वीडियो इफेक्ट में जाके कलर करेक्शन पे था कलर बैलेंस HSL हमने देखना था। कलर बैलेंस तक हमने काम कर लिया था। मैंने HSL ड्रैग किया, ह्यू सेचुरेशन लाइटनेस, यानी ह्यू लाइटनेस एंड सेचुरेशन। ह्यू क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। कलर चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि ये देखो जो कलर था ये वही कलर चेंज कर देगा, और जो कलर था वो डिफरेंट कलर कर देगा, ब्लू था ये। बिल्कुल आप याद करें कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल यू करते हैं, ये बिल्कुल वही चीज़ है। ठीक है, ये तो ओरिजिनल है, ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, और भी कलर कर सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी काम कर सकते हैं, ये बिल्कुल वही चीज़ है। कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट था, ह्यू सेचुरेशन एंड लाइटनेस, हमारे पास वो चीज़ आई। अच्छा, इसके बाद इसकी लाइटनेस है, लाइट करना है या डार्क करना है। ठीक है, और इसी कलर को लाइट और डार्क करना सेचुरेशन है, ओ सॉरी सेचुरेशन इंटेंसिटी ऑफ कलर है, कितना कलर उसके अंदर देना है। अगर मैं कलर लेस कर दूँ और थोड़ा सा कलर दूँ तो ये थोड़ा सा कलर आ रहा है, सॉफ्ट लुक दे रहा है, इस तरह के लुक दे सकता है। ठीक है, ये एक बेसिक सा फोटोशॉप वाली चीज़ है। बिल्कुल इक्वलाइज, जितने भी कलर हैं वो सबको इक्वल कर देगा ये। ठीक है, इक्वलाइज बिल्कुल फोटोशॉप के अंदर, ये भी बिल्कुल फोटोशॉप की तरह ही है। ठीक है, ब्राइटनेस अगर आपको करनी है या अगर आपको RGB कलर से करना है, ये कोई भी सारे कलर को इक्वल कर देगा। वो कह भी रहा है कि फोटोशॉप के स्टाइल से करना है, ये देखो कितना ब्राइट कर देगा, कितनी डार्क थी पिक्चर कितनी ब्राइट कर देगा। ये इसका अमाउंट है, जितना भी आप अमाउंट ऐड करना चाहते हैं, ये देखो ये ओरिजिनल है, ये अप्लाई कर दिया, ये RGB कलर को इक्वल कर देगा। ठीक है, ये भी एक बेसिक सा टूल है हमारे पास। अच्छा, फास्ट कलर करेक्शन यहाँ पे रखा मैंने, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कलर है। ठीक है, देख रहे हो ये है तो एक ही ऑप्शन, लेकिन ये डिफरेंट तरह से दिया हुआ है। मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, व्हील को घुमा रहा हूँ, देख रहे हो कलर चेंज हो रहा है, वहाँ ह्यू सिचुएशन से हो रहा था, ये इससे हो रहा है, ये देख रहे हो। कौन सी कलर टोन आपने रखनी है इसके अंदर, आप वो रख सकते हो। ग्रीन की साइड पे चला गया, ग्रीन आ गया, ये रेड करना चाहो तो ये ऑरेंज और रेड की टोन आ रही है। ठीक है, कलर बैलेंस, अगर मुझे कोई कलर ऐड करना है कि ब्लू एनवायरनमेंट हो जाए तो ये ब्लू की तरफ चला जाएगा, उससे नहीं करना चाहता, इस ग्राफ से करना चाहता हूँ तो इस ग्राफ से करना चाहूँ। ये देखो इस ब्लू कलर को उसने किस तरह का एक सियान कलर का दे दिया। ब्राइटनेस करना चाहूँ, कलर बैलेंस करना चाहूँ, सेचुरेशन, ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल हमारे पास ये कलर है, इसने ये कर दिया, ये है वही सेचुरेशन ह्यू लाइटनेस वाला, लेकिन ये थोड़ा से ऑप्शन ज़्यादा है। ऑटो ब्लैक, ब्लैक को ऑटो एडजस्ट कर ले, ऑटो कंट्रास्ट ऑटो कर ले, ये सारे ऑटो कर देगा। अगर मैं यहाँ से ग्रे का पार्ट चेंज करूँ, रेड पे देना चाहूँ, तो ये रेड कलर्स को हाईलाइट कर देगा, वाइट को मैं थोड़ा सा येलो की टोन पे देना चाहूँ, ये उसी के अंदर के कलर्स को एडजस्ट कर रहा है। इसको मैं एडजस्ट करना चाहूँ कि देखो वाइट पे ज़्यादा कहीं अप्लाई कर ले, इतना ज़्यादा ड्रैग पे अप्लाई नहीं कर रहा, ग्रे कलर से प्ले कर ले, ये इन्हीं कलर से आपके पास प्ले करता रहेगा जो भी कलर इसके अंदर आ रहे हैं। मेन इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये चीज़ आ रही है कि मैं इसके अंदर किस तरह से कलर एडजस्ट कर रहा हूँ। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा
ऑन नहीं किया हुआ था, सॉरी मैंने इसको ऑन नहीं किया हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब सा हो गया। मैं बैलेंस कर लूँ, जैसे कोई ओल्ड इमेज का लुक दे रहा हूँ, यहाँ से ये चेंज कर लूँ, ये इसके अंदर एक कलर चेंज हो गया, ब्लैक का लेवल थोड़ा वाइट पे चला जाऊँ तो वाइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, ओ सॉरी ग्रे कलर हो गया। इस तरह से मैं इसके साथ प्ले कर सकता हूँ। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा, मैं इसको डिलीट करके दोबारा अप्लाई करता हूँ, उस टाइम ऑन नहीं था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर दी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, अब हमने क्या देखा कि हमने क्या दोबारा अप्लाई कर दिया, हमने कहा अब देखते हैं यहाँ पे ये ब्राइटनेस है, लेवल है उसका कितना अप एंड डाउन आएगा, ये उसका ब्लैक का आउटपुट है, ठीक है, ग्रे का आउटपुट है कि ग्रे कितना होगा, ठीक है, ज़ीरो ही कर दूँ सबको। नॉर्मल कर दिया, वन था सॉरी, मैंने देखा नहीं था ये उसके वाइट कलर को चेंज कर रहा है, वाइट कलर कितना आ जाएगा, ये उसका बैलेंस कलर है कम करना है, ये सारी कलर करेक्शन आ रही है। इसमें से ग्रे कलर को मैं क्लिक पिक करके एक कोई सियान कलर या ग्रीन कलर दे दूँ, एक कलर ऐड कर देगा इसके अंदर। ओरिजिनल देखो कैसा है, ये देखो ग्रंज टाइप का एक इफेक्ट दे रहा है, ओल्ड इमेज टाइप का एक इफेक्ट दे रहा है। इस तरह का भी एक इफेक्ट दे सकता है ये भी आपके पास एक फास्ट कलर करेक्शन है, इसको भी चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद आता है लेवल कलर। लेवल कलर के ऊपर आप चला जाऊँ, इंटेंसिटी ऑफ कलर, ठीक है, ब्लू कलर पिक कर लूँ, ब्लू कलर के ऊपर काम कर रहा है सिर्फ, ये बिल्कुल उसी तरह से जो अभी हमने काम कर रहा था। ये देखो रेड कलर इसने हटा दिया, सिर्फ ब्लू कलर को पिक कर लिया, ठीक है, ये भी कलर वो वाला जो अभी हमने सिचुएशन पढ़ी है। टॉलरेंस मैंने इसकी ज़ीरो कर दी, सिर्फ ब्लू कलर के ऊपर काम कर रहा है। सॉफ्टनेस कितनी हो, ब्लू कलर को ही फोकस करे, ये देखो ब्लू कलर को फोकस कर रहा है, प्ले कर दिया मैंने, ये भी उसी टाइप की काम है, ये भी उसी तरह से निकल सकता है। लेवल कलर नाम है इसका कलर करेक्शन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे ग्लव्स पे क्लिक कर दूँ, ठीक है, सी रेड कलर के ऊपर आ रहा है ये, अगर आप कहते हैं कि ये ज़्यादा आसान है तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताने का पॉइंट क्या है, बताने का पॉइंट ये है कि देखो हर टूल से ये काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये स्पेसिफिक इसी से ही हो रहा हो या किसी चीज़ से हो रहा हो, ये काम आपके सामने ही है, वही वाली चीज़ है जो हमने पढ़ी थी लास्ट, ऑरेंज कलर को जो है हमने एडजस्ट किया था, ये भी उसी तरह की चीज़ है, इस तरह से बना सकते हैं आप। तो दोनों ऑप्शंस हैं, इससे भी बनाना चाहें उससे भी बनाना है, सेम थिंग, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इससे बनाना चाहें, ये परफेक्ट काम कर रहा है, तो आप इससे भी बना सकते हैं, इशू नहीं है, आप दोनों सिचुएशन पे काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या काम किया, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। ल्यूमा कलर करेक्शन के अंदर हमारे पास इसके अंदर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सारे कलर उसी तरह की चीज़ें कलर करेक्शन से रिलेटेड है। गामा कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ा ली, ये भी वही सारी चीज़ें। आप लूमा करेक्टर से करना, कैरेक्टर से करना चाह रहे हैं, या आप ह्यू सिचुएशन लाइटनेस से करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों सिचुएशन सेम है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही सिचुएशन हमारे पास आ रही है। कर्व से अगर प्ले करना चाहते हैं तो आप कर्व से प्ले कर सकते हैं। टूल्स एक ही है, जिसको जहाँ से जो अच्छा लगे वो काम कर सकता है। RGB कलर करेक्शन है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, मैंने कहा ल्यूमा पे नहीं जाओ बल्कि कॉम्पोजिशन पे ही रहो, उसी तरह के RGB कलर से प्ले करेगा।
अगर आपको भाई रेड की टोन ज़्यादा करनी है तो ये देखो रेड की टोन ज़्यादा कर देगा। ये मुझे इतने ज़्यादा मज़ा नहीं आता, ये बहुत अच्छे कलर से प्ले नहीं करता। मुझे उसी तरह से जो है वो कलर करेक्शन सही लगती है जो अभी अपने ऊपर यूज़ की हुई है। ये RGB कर्व है, यानी कर्व से अगर आप प्ले करना चाहें, ये तीनों कर्व आ गए कि ग्रीन कम कर दूँ, ठीक है ब्लू कम कर लूँ, ब्लू ज़्यादा कर दूँ, ठीक है। तो ये कर्व के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं आप। थ्री वे कलर करेक्शन, ये तीन आ गए मेरे पास। शेडोज़ के ऊपर काम करेगा, मिड टोन पे करेगा, हाईलाइट पे। हाईलाइट यानी लाइटनेस जहाँ पे ज़्यादा होगी ये उसके ऊपर कलर करेगा। इसके अंदर तो लाइटनेस है नहीं ना इतना ज़्यादा, इसके ऊपर तो सिर्फ शेडोज़ के ऊपर काम हो रहा है, ज़्यादातर काम हो रहा है शेडोज़ के ऊपर। शेडोज़ है, डार्क साइड है इसके ऊपर। मिड टोन यानी उसकी मिड कलर आ रहा है। जिनको फोटोशॉप अच्छा आता होगा ये डेफिनेटली वो इसको अच्छे से देख रहे हैं। ये भी एक हमारे पास सिचुएशन आ रही है कि हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। कलर करेक्शन तीन दफ़ा, तीन चैनल्स आ रहे हैं हमारे पास, यही सारी चीज़ें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं, तो इससे भी प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कलर करेक्शन का जो ऊपर के ऑप्शन है ना वो ही मेन है, उन्हीं से ही हमारे पास सारी चीज़ें निकल आएंगी। लेकिन बाद में बताने का पॉइंट क्या था कि देखो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन बता दिए थे। ये दो तरह के कलर बना देगा आपके अंदर, पिक्चर के अंदर। अगर मैं इसका एक गाना दिखाऊं आपको, ठीक है, तुम्हारे बिन चली जा रही थी ज़िंदगी, मैं हूँ रुकासा, एक गाना है मैं हूँ रुकासा, मैं हूँ रुकासा, इस कलर इसके इसके अंदर ये थीम यूज़ हो रही है। ये देखो बड़ा डिफरेंट कलर सा इसने इफेक्ट दिया था अब्बास अली खान, सी बड़ा डिफरेंट सा लुक दिया इसने वीडियो के अंदर। कलर है भी और दो कलर भी चल रहे हैं सिर्फ। ये देखना गाना, बड़ा अच्छा सा गाना है। इसके गानों में जो है ना अली अब्बास अली खान के गानों में थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर टोन होता है। ये देखो ये भी इसने सॉफ्ट लुक होता है इसका, बहुत वाइट टोन इसमें ज़्यादा है। देखो एक कलर भी होते हैं और वाइट एंड ब्लू से प्ले किया हुआ इसने। खैर एनीवे ये इस तरह का कलर है, और अमाउंट मैं अगर कर दूँ इसको इस तरह से तो ये देखो ये उसी तरह की चीज़ आ जाएगी जो अभी हमने वीडियो देखी, ठीक है। तो हमारे पास क्या सिचुएशन है, हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमने कलर करेक्शन को देखा कि कलर करेक्शन क्या करता है, किस तरह से काम करता है। तो ये कलर करेक्शन कि पिक्चर्स की वीडियोज़ की जो आपको डिफरेंट कलर्स के दिख रहे होते हैं इस तरह के साथ एडजस्ट हो रहा होता है, ठीक। तो कलर करेक्शन को देखें और आगे क्या होता है उसको देखें तो हम अच्छा सा कोई काम कर सकते हैं इसके थ्रू। बट फिर वही बात कि अच्छी प्रैक्टिस करें, अपनी वीडियो बनाएं तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा, मतलब एक लुक आएगा उसके अंदर, मज़ा आ रहा होगा देखने में कि किस तरह से काम कर रहे हैं किस तरह से नहीं। अगर नेट से उठाएंगे तो उसकी डेफिनेटली लो रेजोल्यूशन भी मिलेगी, सब कुछ होगा। तो थोड़ा सा अपने ही फ़ोन से कोई वीडियो बनाएं और उसको शूट करें तो एक अच्छा लुक आ जाएगा, ठीक है। चलें अपना ख्याल रखें, और कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ मुझसे पूछेगा, ठीक है। चलें ओके, अल्लाह हाफिज़।